तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से फ्रिज के अंदर एवोपरेटर को चेंज किया जाता है, क्योंकि हमारा एवोपरेटर बिल्कुल क्या हो चुका है, चौक हो चुका है, समझ रहे ना। तो इतने सारे लोग देख रहे हैं ना, इनके सामने हम बताएंगे कि कहीं पर भी अगर आप फ्रिज में क्या करने जा रहे हैं, एवोपरेटर को चेंज करने जा रहे हैं, तो किस प्रकार से एवोपरेटर को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। क्योंकि जब इसमें हमने प्रयास पहले किया, आप लोगों ने भी क्या किया, प्रयास किया कि ये सही हो जाए, लेकिन इसका एवोपरेटर बार बार क्या हो जा रहा है, चौक हो जा रहा है, ठीक है। इसके लिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या था, ऑयल था, जब हम फ्लश मार रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्या था, ऑयल, और ये ऑयल इसके अंदर से जल्दी निकलता नहीं है, क्योंकि इसमें पाइपें देखेंगे काफी क्या होती है, घनी होती है, ठीक है। तो इसमें पूरा ऑयल परत बना लिया है, और जब भी हम गैस चार्ज कर दें तो बार बार क्या हो जा रहा है, चौक हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसके अंदर जो एवोपरेटर है इसको हम निकालेंगे और नया एवोपरेटर क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम होता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो चार्जिंग लाइन रहेगी, क्या रहेगी, चार्जिंग लाइन रहेगी, इसके अंदर जो पिन होती है उसको हमें पूरा श्योर क्या करना है, खोल लेना है, ठीक है ना, पूरा क्या करेंगे, खोल लेंगे। लेकिन जब हम इसको खोले थे ना, तो इसके अंदर हमने गैस का ज्यादा भरा था, इसमें गैस ज्यादा भरा था, लेकिन उसके अनुसार गैस अंदर से क्या आई है, कम आई है, गैस क्या आई है, कम आई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गैस हमारी क्या है, फंसी है, कहीं ना कहीं गैस हमारी क्या है, फंसी है। उस गैस को हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। यदि उस गैस को हम नहीं निकालेंगे, अब यहाँ पर हमको तो हमने पहले बताया था यहाँ से गर्म करके निकालेंगे, क्या करेंगे, गर्म करके, लेकिन यदि हम ऐसा अब यहाँ पर करेंगे तो हो सकता है कि गैस यहाँ पर क्या है, फंसी हुई हो, और वहां पर हम गर्म करेंगे तो तुरंत वहां से प्रेशर क्या करेगा, निकालेगा। अगर प्रेशर निकालेगा तो हादसे होने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि हम तो अभी तो हम श्योर हों कि इसके अंदर हमारी गैस फंसी है, इसके अंदर गैस क्या है, फंसी हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने गैस डाला था और निकली नहीं है। तब यहाँ पर हम डायरेक्ट वेल्डिंग गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट वेल्डिंग गन का इस्तेमाल क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्यूब कटर का, हम श्योर हो जाएंगे क्या इसके अंदर गैस है कि नहीं है। तो इससे पहले क्योंकि अब हमें तो चेंज करना है, सारा चीज क्या करना है, चेंज करना है, तो हमें यहां से जो इसकी पहले कैपिलरी ट्यूब को हमें क्या करना होगा, काटना होगा। और ट्यूब कैपिलरी को काटने के लिए सबसे अच्छा जुगाड़ हमारा कौन सा होता है, वायर कटर होता है। वायर क्या होता है, कटर। इससे हमारी कैपिलरी बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो जाती है, कट जाती है, ठीक है। तो इसको हम तिरछा करके ऐसे क्या करेंगे, काटेंगे, यहां पर लगा करके यहाँ स्टेप इसको यहां से लगाएंगे और यहां से इसको हम काट लेंगे। जब काट लेंगे तो अगर इसके अंदर गैस फंसी होगी तो यहां से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, वरना कोई बात नहीं है। चलिए यहां से हम काटते हैं, उधर से आठा कहीं देखिए, हमने कहा था ना कि इसके अंदर गैस फंसी हुई मिल सकती है। अगर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग गन का, तो यहाँ पर बड़े हादसे होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। कि काम करने का अपना क्या होता है, तरीका होता है। देखिए अब यहाँ पर पिन आपकी खुली है, पिन क्या है, खुली है। यदि आप डायरेक्ट, हमने जो पहले बताया था कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके निकालेंगे, अगर वैसा करते हैं तो आपके साथ हादसे होने के क्या होते, चांसेस होते हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि अभी यहाँ से गैस निकल रही है ना, तो आप लोग बड़े हादसे से बच गए कि नहीं बच गए, ठीक है ना। और कहीं जाते बाबू ना, तो वैसे ही दिखा देता, इंस्टीट्यूट में सीखते तो अपना वो काम करवा के क्या करते हैं, दिखवा देते हैं कि नहीं भैया ऐसे काम होता है। लेकिन यहाँ पर देखो सामने चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यहाँ पर एनआरबी पिन बिल्कुल निकली है, एनआरबी पिन बिल्कुल क्या है, निकली है, और यहाँ फिर भी गैस हमारी क्या हो रही है, निकल रही है। देखिए यहाँ दिखा दो बाबू, नहीं तो लोग कहेंगे कि एनआरबी लगा होगा। देखिए क्या एनआरबी लगी है यहाँ पे, नहीं लगी है ना। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो जहां पर हम श्योर रहेंगे सिस्टम क्या है, चौक है, सिस्टम क्या है, चौक है, समझ रहे ना। तो वहां पर कि सिस्टम चौक होगा तो हमें कैपिलरी फिल्टर चेंज करना ही होगा, हमें क्या चेंज करना होगा, कैपिलरी और फिल्टर, समझ रहे ना। यानी कि हमें कुछ मिला जुला करके फिल्टर को चेंज करना होगा। जब फिल्टर को हम नया फिल्टर लगाएंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर कैपिलरी का भी पॉइंट चेंज होगा और ये भी पॉइंट चेंज होगा। तो वहां पर हमें श्योर होना है कि इसके अंदर गैस है कि नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वेल्डिंग गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब को यहाँ से हमें क्या करना होगा, काट लेना होगा। जब हम कैपिलरी ट्यूब को क्या करेंगे, काट लेंगे, समझ रहे ना। जब कैपिलरी ट्यूब को काट लेंगे तो अगर गैस ऐसे निकल रही है तो इसका मतलब इसके अंदर गैस है, समझ रहे हैं, इसके अंदर क्या है, गैस है। यदि गैस है तो हम डायरेक्ट वेल्डिंग गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यदि आप डायरेक्ट हमारी वो जो हमने बताया था इसके पहले, अगर इस भाषा को नहीं बताते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लगाते हैं, वेल्डिंग गन लगाते हैं। यदि यहाँ ज्वलनशील गैस ऐसे फंसी रहती, क्या फंसी होती, ज्वलनशील गैस ऐसे क्या होती, फंसी रहती, तो आपके साथ हादसे होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। क्योंकि उसके अंदर ज्वलनशील गैस है, वो क्या है, ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं भी सिस्टम पे हम काम करने जाएंगे, कहीं भी सिस्टम पे काम करने जाएंगे तो पहले
किसको काटेंगे, क्योंकि कैपिलरी का हिस्सा भी कटने वाला है ना ज्वाइंट करने के लिए। तो गैस हो या न हो, ध्यान से समझिएगा, गैस हो या न हो, काम करने से पहले हम किसको काटेंगे, कैपिलरी ट्यूब को काटेंगे। किसको, कैपिलरी ट्यूब को। देखिए अभी भी गैस इसके अंदर फंसी है, इसको देखिए, क्योंकि इसके अंदर पूरा सिस्टम हमारा क्या है, चोक है। देखिए ऐसे निकल रहा है फुहारा की तरह ना, तो इसको हमें पूरा निकल जाना चाहिए कि हमारी पूरी की पूरी गैस इसी के अंदर फंसी है, आगे हमारी गैस जा नहीं रही थी, ठीक है। तो हम ये ऑपरेटर को भी चेंज कर देंगे और साथ में हमारी कैपिलरी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक कैपिलरी हो सकता है कहीं पर जाम हो गई है, इसका व्यास बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो आपने देखा कि सिर्फ कंडेंसर के अंदर गैस है, इसके आगे इसका मतलब हमारी गैस फ्लो नहीं हो रही है। गैस फ्लो नहीं हो रही है तो हमारा सिस्टम क्या हो गया था, चोक हो गया था। तो हम कुछ अपना ऐसा लेकर आए हैं, तो ये क्या है, ज्वाइंट वाला है, ऑल इन वन है, क्या है, ऑल इन वन है। इसके अंदर कैपिलरी भी है और हमारा क्या है, पाइप भी है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको जब लगाएंगे इस वाले अपने ऑपरेटर को, इस ऑपरेटर को क्या करेंगे, लगाएंगे, तो कैपिलरी भी चेंज होगी और पाइप भी क्या होगी, चेंज होगी, समझ रहे ना। तो अब हम देखेंगे कि हमारा फ्रिज ठंडा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए हम पहले इसके पूरी गैस को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, श्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी यहां पर क्या करिएगा, कभी भी जाइएगा फ्रिज के अंदर क्या करने के लिए, गैस को चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो फ्रिज के अंदर एनआरबी ही खोलने से, इधर देखो बाबू, फ्रिज के अंदर एनआरबी खोलने से हम श्योर नहीं होंगे कि इसके अंदर गैस है कि नहीं है। इसीलिए जब हम आपको पढ़ा रहे थे ना, पहले दिन जब आपको लेकर आए थे सिस्टम के ऊपर, तो हमने कहा था कि इस साइड और इस साइड, हमने कहा था ना, जैसे कुछ लोग इधर से देखते हैं और कुछ लोग उधर से देखते हैं, तो ऐसा हमें कभी भी करना नहीं है, समझ रहे ना। उस समय यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट वेल्डिंग गन किसी कारण से लगा देते हैं, किसी कारण से वेल्डिंग गन क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो यहाँ से खुलता तो डायरेक्ट कहाँ फेंकता है, या तो इस साइड में फेंकता जो इधर से ताक रहा है, या तो इस साइड से फेंकता जो उधर से ताक रहा है, तो उसके चेहरे पे या तो आंख पे चोट होने के क्या होते हैं, चांसेज होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था उसको हम कहां से, सामने से करेंगे, कहां से, सामने से। यदि गलती ऐसे हो जाती है तो हम सीधे सामने से किधर है, पीछे की साइड में है, इधर निकल जाएगा और इधर निकल जाएगा, समझ रहे ना। तो फ्रिज वगैरह पर कहीं पर भी काम करने की जाएंगे गैस चार्ज करने के लिए, तो यहां से गैस निकले या ना निकले इससे हमें कोई श्योर हो, श्योर हम नहीं है, समझ रहे ना। इस एनआरबी वाल्व से गैस निकले या ना निकले इससे हम श्योर नहीं है। इससे लिए हमें जो आपका ये जो क्या होगा, कटर होगा, वायर कटर होगा, इससे हमें कैपिलरी को क्या करना होगा, काट लेना होगा, जिससे हम श्योर हो जाएंगे कि गैस है कि नहीं है। यदि हम काटे तो अभी निकला ना, अगर नहीं निकलता तो भी कोई बात नहीं थी, हमें तो फिल्टर क्या करना है, निकालना है, हमें तो फिल्टर क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो इसीलिए जाने पर साइड में ये सब हमें सावधानियां बिल्कुल क्या है, जरूरी है। अगर डायरेक्ट हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो आज हादसे होने के क्या होते हैं, चांसेस। अगर आज ये भी चीज अगर आपको नहीं पता होती, वही चीज पता होगी तो डायरेक्ट फिल्टर को ट्यूब कटर के माध्यम से काट कर या वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, समझ रहे ना। तो जा करके अगर ऐसा आप करते तो ऐसा होता कि नहीं, समझ रहे ना, ऐसा बड़ा हादसा होने के क्या होते हैं, चांसेज होते हैं। क्योंकि अभी आपने यहाँ पर लाइव क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पूरी की पूरी गैस इसके अंदर क्या है, भरी हुई, पूरी की पूरी गैस इसके अंदर भरी है, जो कि गैस आपका पूरा क्या हो चुका है, लगभग लगभग निकल चुका है, अब इसके अंदर कोई भी गैस नहीं है, ठीक है ना। अभी हम श्योर है कि इसके अंदर गैस नहीं है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, या तो अभी आप डर रहे हैं तो इसको ट्यूब कटर के माध्यम से क्या करेंगे, काट लेंगे। हो सकता है कि फिल्टर के अंदर फंसा हो सकता है कि फिल्टर के अंदर और क्या है, फंसा हो, लेकिन जब यहां से गैस पूरी निकल गई है तब कोई चांसेस नहीं है कि इसके अंदर गैस क्या होगी, फंसी होगी, ठीक है। तो अब हम यहां से गर्म करके यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। यदि हमें अब लगता है श्योर कि हमारा ये ऑपरेटर में भी गैस क्या हो सकती है, फंसी हुई हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जिस प्रकार से कंडेंसर के अंदर गैस फंसी थी इसी प्रकार से ऑपरेटर में भी गैस फंस सकती है। हो सकता है कुछ गैस यहां से चली गई हो, किसी कारणवश से कुछ गैस क्या हो गई हो, चली गई हो और जाकर के ऑपरेटर में ऐसे क्या है, फंसी हुई है, और यहां पर डायरेक्ट वेल्डिंग गन का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर भी हादसे होने के क्या होंगे, चांसेज होंगे, समझ रहे ना, क्या होंगे, चांसेस। तो इसको भी हम ट्यूब कटर के माध्यम से क्या करेंगे, काट लेंगे। यदि उसमें भी गैस फंसी होगी तो आराम से वहां से गैस हमारी क्या हो जाएगी, बाहर की साइड में निकल जाएगी और हम श्योर रहेंगे, सेफ्टी रहेंगे और आराम से आगे की साइड में काम कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो चलिए उसको पहले हम यहाँ पर जो यहाँ पर एवापरेटर की जो कौन सी लाइन है, सक्शन लाइन है, समझ रहे ना, यानी एवापरेटर का आउटपुट
इवेपोरेटर का आउटपुट, कंप्रेसर की सक्शन लाइन को हम वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म न करके हम डायरेक्ट यहाँ पर ट्यूब कटर के माध्यम से क्या करेंगे, काटेंगे। जब ऐसा हो सकता है तो इसके अंदर भी ऐसा गैस फंसने के क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। तो यहां से काटिए, काटिए ट्यूब कटर के माध्यम से, थोड़ा सा दूर से हम काटेंगे, काटिए ऐसे टाइट करके, हाँ काटिए फटाफट। अभी जब यहां से अगर गैस फंसी होगी तो हमारे साथ कोई यहां से नहीं होंगे, क्योंकि वहां से गैस आराम से क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी। देखिए ये पाइप कट गई लेकिन यहां पर कोई गैस नहीं है, इसका मतलब हम श्योर हैं कि ऑपरेटर के अंदर कोई भी गैस नहीं है, ना कोई गैस फंसी हुई है। अब ये ऑपरेटर का दोनों पॉइंट निकल गया, कैपिलरी भी, इनपुट भी निकल गया और आउटपुट भी निकल गया, समझ रहे ना, इनपुट भी निकल गया और आउटपुट। अब चाहे तो वेल्डिंग गन के माध्यम से यहां से गर्म करके आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और वहां पर फिर से जो नया ऑपरेटर लगाएंगे उसके पाइप को आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम श्योर हो गए, हम क्या हो गए, श्योर हो जाए कि ऑपरेटर के अंदर भी कोई गैस नहीं है। अब यहां से जब हमें लगाएंगे, अगला प्रक्रिया करेंगे तो फिल्टर को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, तो आसानी से यहां से गर्म करके इसको हम निकाल लेंगे। या तो अभी भी आपके मन के अंदर क्या होंगे, कुछ ऐसा शंका होगा कि इसके अंदर गैस क्या होगी, फंसी होगी, तो रिक्स न लेकर के हम यहां से भी ट्यूब कटर के माध्यम से इसको भी काट लेंगे, क्योंकि इतना पाइप काटने से कोई बड़ा मतलब हमारा नुकसान होने वाला नहीं है। तो काट करके हम श्योर भी हो जाएंगे कि इसके अंदर अभी भी कोई गैस फंसी नहीं है, क्योंकि अभी गैस यहां से निकली थी थोड़ी देर पहले, समझ रहे ना। तो हम यहां से वेल्डिंग गन से गर्म न करने से पहले हम यहां से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन अब हम श्योर होंगे कि इसके अंदर गैस नहीं है, समझ रहे ना, क्योंकि यहां से गैस क्या हो रही थी, निकल रही थी। अब यहां से हमें ऑपरेटर को चेंज करना है, ऑपरेटर को क्या करना है, चेंज करना है। तो हमें यहां से जो बंधा हुआ है ये टाई से, इस टाई को हम काटेंगे। देखिए अब यहां से हमने इसको काट दिया, समझ रहे ना, अब इसको हम लंबा कर लेंगे और इस पाइप को आसानी से इसे बाहर की साइड में निकाल लेंगे। अब यहां से जो टेप वगैरह यहां पर पहले का लगा हुआ है इसको हम हटाएंगे। देखिए एक ये भी कारण था इसका कि यहां पर जब किसी ने डाला है ना तो ये पाइप क्या हो गई है, पंच हो गई है। देखिए अभी भी गैस यहां से निकल रही है, देख रहे हो बाबू ना, अभी भी गैस यहां से क्या हो रही है, निकल रही है। इसीलिए हम कहें कि अगर हम श्योर नहीं है, हम क्या किए, श्योर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हमें क्या करना होगा, काट लें। तो इसका मतलब कंडेंसर के अंदर पूरी गैस हमारी क्या हो गई है, जम चुकी है, क्या हो गई है, जम चुकी है। और यहां से हमारा सब कुछ खुला है फिर भी रुक रुक के गैस इसके अंदर से हमारा निकल रहा है, क्योंकि आप यहां पर लाइव देख रहे हैं, ठीक है ना। क्या इसीलिए हम यहां पर श्योर होंगे कि यहां पर हम किससे काटेंगे, ट्यूब कटर के माध्यम से क्या करेंगे, काटेंगे, तब हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ कंडेंसर के अंदर गैस नहीं है, ठीक है ना। अब चलियो अब यहां से हम ऑपरेटर को निकालते हैं, तो यहां पर भी देखेंगे तो पाइप हमारी पंच है, तो इससे ही था कि यहां पर गैसों का फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, गैस का फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पाइप क्या है, पंच है। जब गैस का फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो ऑपरेटर में अच्छे से गैस भीनेगी नहीं, यानी घूमेगी नहीं, जब घूमेगी नहीं तो हमारा ऑपरेटर अच्छे से ठंडा नहीं करेगा। दूसरा कारण था कि इसके अंदर जब हम फ्लस मार रहे थे बहुत ज्यादा आयल था, आवश्यकता से अधिक क्या थे, आयल थे, तो वो भी हो सकता है कि यहाँ पर आयल एवोपरेटर में इतना चला गया है कि पूरा एवोपरेटर में लेयर बना लिया है, पूरा क्या बनाया है, लेयर, तो उसको भी हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। अब देखिए अब यहां से हमने एवोपरेटर को अंदर से खोल दिया है, एवोपरेटर को हमने क्या कर दिया है, खोल दिया है, तो यहाँ से पाइप को हम हल्का सा क्या कर लेंगे, ऐसे उंगली डाल मतलब लगा करके ऐसे सीधा कर लेंगे, और इसको भी हमें सीधा करना होगा, हटिए, ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, चलेंगे एवोपरेटर के सामने। अब आगे से हमें एवोपरेटर को क्या करना होगा, खींचना होगा, कुछ लोग इधर रहेंगे और कुछ सामने आ जाएंगे, आ जाइए। तो यहां से इस दरवाजे को हम खोलेंगे, ठीक है, खोलेंगे तो पहले हमने इसके कवर वगैरह को खोल लिया था, देख रहे हैं ना, इसके जो आगे का जो ये सब लगा था कवर सबको हमने क्या कर लिया था, खोल लिया था। अब आपको सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। अब यहां से इसको पकड़ करके, यहां से इसको पकड़ करके और सीधे यहां से आप क्या करेंगे, खींच लेंगे, वहां से पाइप आने दीजिए थोड़ा थोड़ा पीछे से, आराम से आने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए पीछे की साइड में, देख रहे हैं ना, हमारा ये ऑपरेटर बिल्कुल बाहर की साइड में निकल चुका है। अब हमें नया ये ऑपरेटर लगाना है, देखिए
आ जाओ इधर आ जाओ। अब हमें नया ऑपरेटर क्या करना है, लगाना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देख रहे हैं सब ज्वाइंट वगैरह ऑल इन वन है, और इसके अंदर हमें कोई ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं। जो भी ज्वाइंट करना है हमें पीछे की साइड में करना है। कहाँ करना है? पीछे की साइड में। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आराम आराम से इसे सीधा कर लें, क्योंकि वो भी अब हम इसको लगाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए जब लगाएंगे तो इसका जो पॉइंट होगा, इसका जो क्या होगा पॉइंट होगा, इसके अंदर ये पॉइंट जाने वाला नहीं है, और इसके अंदर ये भी जल्दी जाने वाला नहीं, ये तो चला जाएगा, तो ये तो बंद है, तो इसको भी हमें टेप लगा लेना होगा। इसको निकाल कर क्या लगा लेंगे, टेप लगा लेंगे। अगर हम टेप नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर जालेंगे तो उसका थर्माकोल या चाहे कोई कचड़ा होगा इसके अंदर क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो जब भी हम ऑपरेटर को चेंज करते हैं तो इन पाइपों को हमेशा ब्लॉक कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, ब्लॉक। अब यहां से हमने इसको निकाल दिया, इस पाइप को निकाल दिया। अगर इसके अंदर हम टेप ना लगाते हैं तो अगर उसके अंदर डालते तो क्या हो जाता, तो कचरा चला जाता, कचरा चला जाता। तो इसको हम यहां से टेप लगा देते हैं फटाफट। टेप को हमने लगा दिया, इसके अंदर टेप लग गया, और इसके अंदर कैपिलरी में ऑलरेडी पहले से पाइप लगा के आया, तो ये तो आसानी से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब जैसे हमने निकाला था वैसे ही हमें क्या करना है, डालना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो पहले ही पड़ेगा, पहले कैपिलरी हमारी गई बाहर की साइड में, कहाँ गई, बाहर की साइड में। अब इस चीज को हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे और पहले हमारा ई पॉइंट जाएगा, समझ रहे ना। अब यहां से देखिए पीछे जाइए बाबू, पीछे लेके जाओ, सीधा खोलिए, सीधा रुक जाओ, अब इसके अंदर दो होल होंगे, कितने होल होंगे, दो होल होंगे, ठीक है ना। ये दोनों होल को हम सीधे ले जाकर के यहाँ पर हमें क्या कर देना होगा, टाइट कर देना होगा। इसके बाद इसके हेडलाइट को यहाँ पर हम लगा देंगे, हेडलाइट को हमें क्या करना होगा, लगा देना होगा। अब आइए चलते हैं, पीछे की साइड में हमारा ये निकल चुका है, पीछे की साइड में हमारा ये पाइप क्या है, आ चुका है, लेकिन ये पाइप छोटा है कि नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि ये छोटे फ्रिज का होता है, छोटे फ्रिज का होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम इसको मोड़ेंगे, आराम से यहाँ पर हाथ लगाएंगे और इसको प्यार प्यार से क्या करना होगा, मोड़ लेना होगा। देखो कैसे मोड़ रहा है, ऐसे पीछे की साइड में हम ऐसे मोड़ लेंगे। अब हमारी कैपिलरी तो आ जाएगी, कैपिलरी तो क्या है, आ जाएगी, लेकिन पाइप हमारी क्या है, छोटी है, तो वहां से हम इस पाइप को जितना हमें जरूरत है उतना हमें काट लेना होगा, ठीक है। तो यहां से जब हम काटेंगे तो देख लेंगे कि लगभग लगभग आपका यहां से यहां तक पाइप आना चाहिए, इतना बड़ा आ रहा है ना, तो इतना हम यहां से क्या करेंगे, काट लेंगे। अब ट्यूब कटर के माध्यम से हमें क्या करना होगा, काट लेना होगा। काटो बाबू, आओ, कैसी कटता है, सभी लोग काटो, सभी लोग थोड़ा थोड़ा काम करो, ट्यूब कटर दीजिए, शो करके देखिए आपकी पाइप सही कटी है, नहीं कटी, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत पाइप काटा था, हमने दिया था। तो इसको हमें ऐसे आराम से घुमाना है, बिल्कुल रिलैक्स मूड होकर के, ये हमारा काम जो होता है बड़ा रिलैक्स का होता है, देख देख लिए ना। अगर हम जल्दी जल्दी में काम करेंगे तो हम सक्सेस नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमें एक गैस का काम है, तो थोड़ा खतरे का भी काम होता है। अब देखिए बेहतरीन कटा है कि नहीं कटा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें आराम से काम करना, अब हम इसके अंदर लगाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, लगाने वाले हैं, तो हमें किसी एक को व्यास का, क्योंकि समान आकार की पाइप अब हो गई ना, अगर हम ऐसे रख करके ज्वाइंट मारेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा ना, तो हमें किसी एक के व्यास को क्या करना होगा, फैलाना होगा। अब फैलाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ये जो टूल्स होता है ना, ये किसके लिए होता है, व्यास को फैलाने के लिए। अब यहाँ पर हम इसको लगाएंगे और ऊपर से हम मारेंगे तो ये व्यास क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो आसानी से ऊपर डाल करके हम इसका ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है ना, इसका ज्वाइंट हम क्या है, कर लेंगे। चलिए फैलाइए, देखिए हमारा फ्लेयर क्या है, बन चुका है, समझ रहे ना, ये हमारा फ्लेयर बन चुका है दोनों साइड, क्योंकि हमें दोनों साइड ज्वाइंट करना है, इधर भी ज्वाइंट करना है और
इधर भी ज्वाइन करना है, समझ रहे ना। तो इसमें से देखिए कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इवेपोरेटर सेम साइज का आना चाहिए, समझ रहे ना। लेकिन हमने यहाँ पर सिखा रहे हैं तो कैसे, हर चीज हमारे पास वैसा इवेपोरेटर नहीं था तो इनको हमें क्या करना था, सिखाना था। तो हमने इसको बता दिया कि हाँ इवेपोरेटर इस प्रकार से चेंज किया जाता है, समझ रहे ना। या तो पाइप अगर इवेपोरेटर में छोटी हो गई तो उसको भी आप यहाँ से कैसे जोड़ सकते हैं, ये भी आपको ढंग हो गया, समझ रहे ना। तो हमारे पास ये मिनी यानी छोटे फ्रिज का इवेपोरेटर था तो उसी को ला करके हमने ऐसे क्या कर दिया है, बता दिया है, समझ रहे ना। क्योंकि चाहे बड़े हो चाहे छोटा हो, सबका काम चेंज करने का क्या होगा, सेम टू सेम होगा। ये प्रक्रिया उसके साथ भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ आपका फ्लेयर बन चुका है और इसका व्यास फैल चुका है। अब हमें इसको यहां से क्या करना होगा, लगाना होगा, क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। और इसके पहले इसको लगा लेते हैं, इसके बाद जब हम इसका व्यास बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। पहले इस ज्वाइंट को हम करते हैं, ठीक है। चलिए भैया, ज्वाइंट करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, तो ऐसे ज्वाइंट कर रहे हैं, ऐसे ज्वाइंट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ब्रिजी रॉड कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो इस पाइप को थोड़ा सा क्या कर लो, ऊपर की साइड में ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अब तो नहीं जाएगा ना। अब आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब यहाँ से कपड़े से हम ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ गर्म भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उधर से वेल्डिंग गन से क्या करेंगे, गर्म करें, गर्म करिए, दे दीजिए उधर सामने से। अब इधर तुम रॉड ले लो, पिघला देना, क्योंकि ये कॉपर कॉपर है ना, ये तुरंत जस्ट ही क्या हो जाएगा, पकड़ लेगा। चलिए गर्म करिए, जब ये लाल हो जाएगा वैसे ही पिघला सकते हो, कोई बात नहीं। हम हाथ लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट हाथ लगाएंगे तो फिर क्या होगा, अच्छे से ठंडा कर दीजिए, इधर ज्वाइंट को ठंडा कर दीजिए। अब देख लेते हैं कि इस ज्वाइंट अच्छे से हुई है कि नहीं, लेके आइए दिखाइए। तो ज्वाइंट बिल्कुल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम यहाँ से इसको आराम से ऐसे नीचे कर लेंगे, देख रहे हैं ना, ऐसे हम यहाँ तक लेकर के आएंगे नीचे की साइड में, कैपिलरी ट्यूब तो हमारी आएगी, आराम से जुड़ जाएगा। अब हमारा व्यास यहाँ तक आ गया है। अब इस पाइप को सीधा करने के बाद हमें हल्का सा दूर से क्या करना होगा, मोड़ना होगा, दूर से हम क्या करेंगे, मोड़ेंगे। अब देखिए इसको हम हल्का सा ऊपर कर लेंगे, हल्का क्या कर लेंगे ऊपर, और यहाँ से इसको यहाँ से हाथ लगाएंगे पीछे, जब भी मोड़ेंगे तो हल्का सा क्या लगाएंगे, पीछे हाथ, हाथ लगाएंगे ऐसे, देख रहे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे आराम आराम से हम इसके व्यास को इसके सेंटर में लेकर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा दूर से करेंगे तभी तो इसका गोलाई बनेगा जी सर। देख रहे हो ना, क्या पाइप पंच हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा है। तो एसी के अंदर भी जब हम पाइप जोड़ते हैं ना, घुमाते हैं दीवार के अंदर, जब ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है, मोड़ना होता है, देख रहे ना। अब यहाँ हमारा आ गया, अब इसका व्यास थोड़ा आगे वाले हिस्से को हम और थोड़ा सा मोड़ देंगे और इसको हम ऊपर की साइड में लेकर के चले जाएंगे। देखिए अब हमारा हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। चलिए ज्वाइंट करिए, यहाँ पकड़ के रखेंगे, अब उधर से दबा के रखना बाबू, प्लायर के माध्यम से, प्लायर से पकड़ के, अब वो पीछे की साइड में ना जाना चाहिए, तुरंत पानी की तरफ पिघलने लगेगा, लाल होगा तो पिघलाओ, नीचे तक पिघला दो, फटाक दे, ठीक है हटा लीजिए, आग हटाइए, जलने लगा। अभी हाथ मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर सब क्या है, वायरिंग वगैरह होता है ना, तो कपड़े को हमने यहाँ पर डाल लिया कि वायरिंग हमारी जले ना, वरना आप वायरिंग भी जलने के क्या होंगे, चांसेज होंगे। चलिए इसको ठंडा कर लीजिए। तो देख रहे हैं ये ज्वाइंट पूरा हमारा हो चुका है, यानी ऑपरेटर का जो आउटपुट होता है उसको हमने पूरा यहाँ पर क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। अब हमें कैपिलरी को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, लेकिन अब हमें नया फिल्टर यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, नया फिल्टर चेंज करेंगे। तो अभी देख रहे हैं जिसके अंदर से रुक रुक करके गैस क्या हो रही थी, निकल रही थी,
ठीक है, तो हम इसका थोड़ा फ्लक्स मार लेंगे। क्या मारेंगे? फ्लक्स, कि इसके अंदर कोई कचरा तो नहीं है, गैस हमारी किस लिए यहाँ पर फंस रही है। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा इवेपोरेटर तो नया कर दिया, कैपिलरी नया कर दिया, पाइप हमारी क्या हो गई? नई हो गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर प्रेशर अच्छे से नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कंडेंसर भी चोक होने के क्या होंगे? चांसेज होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से अब इसको भी हम किससे काटेंगे? ट्यूब कटर के माध्यम से यहाँ पर हम काटेंगे, समझ रहे ना? तो ट्यूब कटर को यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है, भी वाले पॉइंट में, और इस पाइप को हमें थोड़ा सा अलग ऐसे कर लेना होगा। ठीक है, अब इसको भी घुमा घुमा करके हम काट लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें आपको जैसे हमने देखा रुक रुक के गैस निकल रही थी ना, क्या हो रही थी? रुक रुक के। तो हो सकता है कि वेल्डिंग गन हम लगाएंगे तो अभी भी इसके अंदर गैस क्या है, फंसी हो, तो आपके साथ वही हादसे होंगे जो कि अभी आपने पहले क्या किया था, देखा था। तो इसीलिए हमें श्योर हो जाना चाहिए। इसको हम इससे किससे काटेंगे? ट्यूब कटर के माध्यम। देखिए ना, अभी गैस फंसा था कि नहीं फंसा था, समझ रहे ना? तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, क्योंकि अभी देखे ये कचरा वगैरह कितना हमारे हाथ के अंदर हमारा क्या है आया है, देख रहे ना, इसके अंदर से कितना कचरा निकल रहा है, समझ रहे ना? तो यानी हो सकता है कि हमारा कंडेंसर भी क्या हो, चोक हो, यदि यहाँ प्रेशर अच्छे से नहीं मिलेगा, प्रेशर अच्छे से नहीं मिलेगा, तो कहीं पर भी आप जाएंगे तो इस प्रकार से, अभी तो, अभी देखिए, अभी तो इतना ही गैस निकली थी तो अभी हम लोग डर गए, अभी क्या हो गए? डर गए। और जब पूरी की पूरी गैस होती है और डायरेक्ट हम वेल्डिंग गन से गर्म करते तो क्या हालत होती, ठीक है ना? तो इसीलिए हम इसको किससे काटेंगे? ट्यूब कटर के माध्यम से हमने क्या कर लिया है? काट लिया है। अब हम कंप्रेसर को अपने ऑन करेंगे और पहले इसका देखेंगे कि यहाँ प्रेशर सही मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत काला काला हमारा कचरा आ रहा है। चलिए बाबू चालू करिए, माँ चालू करिए, इसका अब हम मारेंगे फ्लेक्सिंग। देख रहे ना हमारे हाथ की दशा क्या हो गई है, इसके अंदर क्या काला काला आ रहा है, देख रहे ना? देखे ऐसे हम लगाए, इसको क्या है? ये सब मॉइस्चर है। इसके अंदर क्या है? मॉइस्चर। देखो देखो हमारे हाथ की कंडीशन देखो कैसा है। तो ये भी फ्रिज में से क्या होता है? निकलता है। देखो इधर पूरा कचरा हो गया, इधर क्या हो गया? कचरा। कुछ लेकर आओ, कुछ कागज वगैरह कुछ है? फ्रिज चलेगी नहीं। तो ऐसा तो हम साफ करेंगे इसको, लेकिन लग रहा है कि हमें भी कंडेंसर भी क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाइव यहाँ पर चल रहा है। तो फ्रिज की कंडीशन कितना खराब है, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। लेकिन हो रहा है, देखो देख रहे हैं ना, आपके सामने निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो इसीलिए हमारा फ्रिज बार बार क्या हो जा रही थी, चौक हो जा रही थी। इवेपोरेटर में भी ऐसी कंडीशन होगी, इवेपोरेटर में भी ऐसा क्या होगा, कंडीशन होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका पूरे को क्या किया जाए, फ्लश कर दिया जाए। और जब हम फ्लश कर रहे हैं तो इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म, जिससे इसके अंदर जो भी अगर ऐसा कुछ होगा तो भी क्या हो जाएगा, बाहर की साइड में बैठ जाएगा। सभी लोग फ्लश फटाफट, देखो ना फ्रिज के अंदर क्या क्या होता है। हम वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का क्या करेंगे, गर्म करें, जिससे इसके अंदर जो मॉइस्चर जमा होगा वो भी पिघल के बाहर निकलने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। पूरा इवेपोरेटर आपका फ्रेश हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं। यदि नहीं होगा तो फिर से हमें इवेपोरेटर को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। लास्ट उपाय है कि क्या करना, चेंज करना। अब इतना जो कचरा था, ये जो क्या था, कचरा, जाकर के फिल्टर में भैया बैठेगा कि नहीं बैठेगा, कैपिलरी को जाम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि सामने देख रहे हैं कि जब इतनी हालत ऐसा हो रहा है तो जाकर के कैपिलरी का व्यास हमारा काफी क्या था, छोटा था, तो जाकर के क्या कर देगा, जाम कर देगा। गर्म कर दो बाबू उधर से, देख रहे हो ना कि अभी हम जब इसको गर्म कर रहे थे, पहले शुरू में नहीं निकल रहा था, शुरू में कचरा क्या हो रहा था, नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे हमने इसको वेल्डिंग गन से क्या किया, गरम किया, फिर जैसे आ रहा था वैसे यहाँ पर आने लगा। गरम करो इन पाइपों को, कपड़ा लाइए, देखते हैं अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, इसका मतलब कंडेंसर भी हमारा काम लायक नहीं है। फिर भी हम प्रयास करेंगे, देखते हैं कि इस पे होता है कि नहीं होता है, लेकिन नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बदल लेंगे। इधर से गर्म करना थोड़ा सा नीचे से, ये वाला पाइप शुरू से
हैं कि हमने काफी देरी से इसको प्रयास कर रहे हैं इस कंडेंसर को साफ करने का, लेकिन इसके अंदर से जो एक कचरा आपको दिखाई दे रहा है ना, ऑयल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लगता है कि इसके अंदर भर गया है, समझ रहे हैं ना। अब इसको हमें क्या करना होगा, लास्ट में एक ही उपाय है कि इसको हमें चेंज करना होगा। यदि हम चेंज नहीं करेंगे तो जो इवैपोरेटर हमने लगाया है ना, इसको भी जाकर के हमारा इसके अंदर जो कचरा है जाकर के क्या कर देगा, जाम कर देगा। अगर ये जाम कर देगा तो फिर से हमारा जो इवैपोरेटर है पूरी कैपिलरी और फिर से क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा होगा कि हमें कंडेंसर को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम कंडेंसर को भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कंप्रेसर बंद करिए, कंप्रेसर को हम क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब कंडेंसर, अब कंडेंसर कौन सा लिख रहा है ये दिखाइए। अब हम इस कंडेंसर को भी इसके अंदर चेंज करेंगे। अभी तक ने हमने इवैपोरेटर चेंज किया, लेकिन सोचा कि कंडेंसर आपका फ्लश मार देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन कंडेंसर और इवैपोरेटर दोनों की स्थिति काफी क्या है, डाउन है। तो इसलिए हमें दोनों को क्या करना होगा, चेंज, क्योंकि हमें काफी देरी से फ्लेक्सिंग मार रहे हैं। जब जब हम इसको गर्म कर दें तो फिर से हमारा वो ऑयल कचरा फिर से आना शुरू हो जा रहा है। फिर जैसे ही हम इसको गैस भरेंगे तो उसके अंदर फिर से वो कचरा उसके साथ आगे की साइड में जाएगा, जाएगा तो फिर से फिल्टर को और कैपिलरी को हमारा जाम कर दिया। इससे अच्छा है कि हमें कंडेंसर को भी चेंज कर देना चाहिए। तो चलिए हम कंडेंसर को चेंज कर लेते हैं। चलो भाई गरम करो, अब यहां कपड़ा लगा लीजिए। तो यहां पर इसको निकालने से पहले, यानी इस लाइन को, डिस्चार्ज लाइन को निकालने से पहले यहां पर हमें भीगा कपड़ा लगा देना जरूरी होता है, नहीं तो वो भी पॉइंट गर्म होकर निकलने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। तो चलिए अब यहां से हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करिए, I don't know.